हमारे लिए लॉकर्स रखे हुए हैं, बट इनका यूज़ हम बहुत कम करते हैं क्योंकि हम डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा रहते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, इश्फाक हुसैन व्लॉग्स में। तो अभी पहुंच गया हूं मैं जिम, आपको दिखाते हैं जिम में एंट्री करनी है। पहले कैसे एंट्री करते हैं हम, ये तो पहले बायोमेट्रिक होता है हमारा यहाँ पे, ये मैं आपको दिखाऊँ पहले। ये वेरीफाइड, थैंक यू। एंड चलते हैं अंदर, आज है हमारा ट्राइसेप्स वर्कआउट। वेरीफाई करके भी घुसने नहीं दे रहा है मेरे को। तो फाइनली हम जिम में एंटर हो गए। ये देखो जिम में कितने से बंदे हैं, ये देखिए जिम में थोड़े से ही बंदे हैं, ज़्यादा बंदे हैं नहीं आज जिम में। तो आज हमारा वर्कआउट रहेगा ट्राइसेप्स वर्कआउट। तो पहले हम बैग वगैरह रख के आते हैं, उसके बाद हम जो है अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, जो कि आज रहने वाला है ट्राइसेप्स वर्कआउट। और आज हम मार रहे हैं ट्राइसेप्स जो कि एक ही जगह मारेंगे, हम पूरा ठान के रखी हुई है आज हमने मारना है। केबल वाली जो मशीन है उस पर ही मारेंगे सारी एक्सरसाइज, जो कि इंटरमीडिएट जो बंदे हैं उनके लिए, मतलब जो बच्चे हैं उनके लिए एक्सरसाइज ये बहुत ज़्यादा सही रहेगी। ये रही हमारी मशीन जिस पे हम सारा वर्कआउट करेंगे। तो इतनी ही वीडियो में तैके जीवन है, तैके टेंशन में। ये रही हमारी ये वाली मशीन, इस मशीन पर हम आज पूरा वर्कआउट करने वाले हैं और 5 एक्सरसाइज मारेंगे हम, मात्र 5 ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज मारेंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वीडियो में बने रहे एंड एक्सरसाइज अच्छे से देखें और चलिए करते हैं वर्कआउट स्टार्ट। तो फर्स्ट एक्सरसाइज थी हमारी केबल पुश डाउन विद रोप, जिसके हमने 4 सेट्स मारे, 12-15 रेपिटेशंस ली हमने इसमें। एंड वेट अकॉर्डिंग जितना हम उठा सकते हैं, हैवी अगर आप उठा सकते हैं तो हैवी उठा सकते हो, अगर हैवी से नहीं हो पा रहा है, फॉर्म अच्छी होनी चाहिए, बाकी तो कुछ भी नहीं होता, फॉर्म अच्छी होगी जितना हैवी उठा सकते हो फॉर्म करेक्ट में तो अच्छा है आपके लिए। एंड सेकेंड एक्सरसाइज थी हमारी, वो थी हमारी ओवरहेड एक्सटेंशन विद क्लोज ग्रिप, एंड जिसके हमने 3 सेट्स मारे, 12-15 रेपिटेशंस ली इसमें हमने। एंड ये वाले में मैंने वेट थोड़ा सा हैवी लिया हुआ है, आप भी हैवी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। एंड उसके बाद हमारा जो रहा, फिर से हमने पुश डाउन मारा है, एंड पुश डाउन में हमने 3 सेट्स मारे, 12-15 रेपिटेशंस ली, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा ना अपनी पोजीशन को चेंज किया, और इस पोजीशन में अगर आप पुश डाउन मारेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है ट्राइसेप्स पे। एंड ये मैंने आज सेकंड या थर्ड बार ट्राई की और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके ट्राइसेप्स के लिए, आप भी ट्राई करें ये वाली एक्सरसाइज। एंड उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज रही वो रही हमारी किक बैक, जिसके हमने 3 सेट्स मारे, 12-15 रेपिटेशंस मारी हमने इसमें। एंड ये बोथ साइड हमने 12-15 रेपिटेशंस ली। एंड इस एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा मतलब जितना लाइट वेट उठा सकते हो और जितना अच्छा स्ट्रेस पड़े उस ट्राइसेप्स के पार्ट पे, वो बहुत ज़्यादा सही रहेगा आपकी ट्राइसेप्स को ग्रो करने में। एंड उसके बाद जो हमारा रहा रिवर्स पुश डाउन, एंड ये हमने मारे 4 सेट्स, 12-15 रेपिटेशंस ली हमने इसमें। एंड ये भी काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स को बढ़ाने में एंड ट्राइसेप्स की कटिंग लाने में। एंड उसके बाद हमने किया थोड़ा सा फ्लैक्स, ये रहा फ्लैक्स। फ्लैक्स वीडियो जो मैंने बनाई वो मैंने एक्चुअली रील के लिए बनाई थी, बट मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं फ्लैक्स जो करूँ मैं। एंड ये था आज हमारा ट्राइसेप्स वर्कआउट, और ये ट्राइसेप्स वर्कआउट जो है इंटरमीडिएट जो जिम वाले हैं उनके लिए है, ना कोई एडवांस लेवल ना कोई बिगिनर्स के लिए, तो जो इंटरमीडिएट रहते हैं उनके लिए ये ट्राइसेप्स वर्कआउट था, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वर्कआउट है, तो आप भी ट्राई करें सारे। अपना वर्कआउट हो चुका है ट्राइसेप्स का, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया और गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना पसीना हो गया, रुमाल भी गीला हो गया पूरा, पसीने से बुरी हालत हो गई है। आज का वर्कआउट ख़त्म हो चुका है हमारा ट्राइसेप्स का, ये चेक करें, फ्लैक्स वीडियो डाली है मैंने, मतलब बीच में फ्लैक्स का भी डाला है, आपने देखा ही होगा। एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज मारने में, आज फर्स्ट टाइम जो है मैंने एक ही केबल वाली मशीन पर जो है सारी एक्सरसाइज मारी है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। और वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो लोग ना तो बिगनर्स हैं ना एडवांस लेवल के, जो बीच लेवल के होते हैं, इंटरमीडिएट अगर कहते हैं उनको, तो उस लेवल के बंदों के लिए वो एक्सरसाइज जो है बहुत सही हैं। एंड मेरे को भी अभी नॉर्मली ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मारते हुए एक्सरसाइज, एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। एंड अब आपको यही बोलूँगा मैं, वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिम मेरी बंद होने वाली है, जिम ऑलमोस्ट बंद हो ही गई है, देखो लाइट बंद हो गई है, जिम मेरी बंद हो ही गई है,
तो अभी मैं चलता हूँ, थोड़ा बैग शैग लेके जाता हूँ। ये हमारे लिए लॉकर्स रखे हुए हैं, बट इनका यूज़ हम बहुत कम करते हैं क्योंकि हम डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा रहते हैं तो बहुत ही कम लॉकर का यूज़ होता है। एंड हाँ जी, काफ़ी मज़ा आया वर्कआउट करके, आपको भी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं आपसे कल एक नई सी मस्त वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर, आई लव यू ऑल, प्यार दिखाओ।